हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग मेरा फर्स्ट पार्ट अलंकार पढ़े होंगे, फर्स्ट पार्ट में हम आप सभी लोगों को अलंकार जो अनुप्रास अलंकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में बताए थे और अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार होते हैं उसको बहुत ही शानदार व लाजवाब तरीके से दोस्त बताए थे। आज दोस्त हम जो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार अपने आप में पांच प्रकार के होते हैं, उसमें से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और भीप्सा अलंकार, पांच प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत पांच प्रकार के अलंकार होते हैं। दोस्त अनुप्रास अलंकार अपने आप में क्या होते हैं, पाँच प्रकार के होते हैं। यमक अलंकार का कोई प्रकार नहीं होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। श्लेष अलंकार भी अपने कोई प्रकार नहीं होता है। वक्रोक्ति और भीप्सा अलंकार बहुत सरल है, उसको तुरंत समझा देंगे। सिर्फ अनुप्रास अलंकार के ही प्रकार होते हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से दोस्त एक एक उदाहरण देकर बहुत ही शानदार व लाजवाब तरीके से पढ़ाकर समाप्त कर दिए थे। आप लोग कहिए तो दोस्त एक बार हम क्या करा दें, रिविजन करा दें अनुप्रास अलंकार का। यदि आप लोग कहिए दोस्त तो एक बार क्या करा दें, रिविजन करा दें। ठीक है, देखिए एक बार सरसरी निगाह में देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा था कि जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हम इसका बहुत ही फेमस उदाहरण आप लोग को बताए थे जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। फेमस उदाहरण यही था कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखिए इसमें क्या च च च च च बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्त, च च का वर्ण मतलब कि क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रहा है। और एक उदाहरण आप लोग को दिए थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर भी देखिए ख ख का क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो दोस्त ये अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अपने आप में पांच प्रकार का होता है। पहला आप लोग को हम बताए थे कि वृत्तानुप्रास अलंकार। क्या बताए थे दोस्त, वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार का परिभाषा था कि जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है वहाँ पे भी क्या होता है दोस्त, वृत्तानुप्रास अलंकार होते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार और वृत्तानुप्रास अलंकार अपने आप में एक ही होते हैं। ठीक है, इसका भी उदाहरण यही ये जो उदाहरण अनुप्रास अलंकार का ये दे सकते हैं। ठीक है, तो वृत्तानुप्रास अलंकार के दो तीन उदाहरण हम बता रहे हैं। एक उदाहरण था कि रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए र का क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रहा है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पे र का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। फिर वृत्तानुप्रास अलंकार के बाद आप लोग को हम बताए थे दोस्त कि छेका अनुप्रास अलंकार। क्या बताए थे दोस्त, छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार का परिभाषा था कि छेका अनुप्रास अलंकार का दोस्त क्या परिभाषा था कि जहाँ पर एक वर्ण दो बार आए, जहाँ पे एक वर्ण दो बार आए उसे हम क्या कहते थे, छेका अनुप्रास अलंकार कहते थे। इसका उदाहरण दिए थे कि अति आनन मगन महतारी, अति आनन मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है दोस्त, अति आनन देखिए अ मगन महतारी मम। ठीक है, फिर कानन कठिन भयंकर भारी, इसका हम क्या किए थे दोस्त, उदाहरण दिए थे छेका अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्त हम आप लोग को बताए थे लाटा अनुप्रास अलंकार। क्या बताए थे, लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार का क्या परिभाषा था कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होता है और शब्द क्या होता है, बदलता नहीं है। तो वह कौन सा अलंकार था दोस्त, लाटा अनुप्रास अलंकार था। इसका फेमस उदाहरण आप लोग को हम दिए थे कि पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत है तो उसके लिए भी धन संचने की जरूरत नहीं है, सपूत है तो वह किसी भी तरह से अपना आजीविका चला लेगा। ठीक है, उसके लिए भी धन संचय की जरूरत नहीं है। और जब पूत क्या है, कपूत है, तो उसके लिए भी धन संचने की आवश्यकता नहीं है। कपूत रहेगा तो उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी धन रख दीजिए, वो क्या करेगा, उसको बर्बाद कर देगा, लुटा देगा। ठीक है, और
घर में किसी का इज्जत नहीं करेगा, तब बाद में आपको बुढ़ापा में पछताना पड़ेगा कि देखिए जिस बेटे के लिए हम इतना धन संचय किए, इतना इकट्ठा किए, आज वही मेरा बेटा मुझे गाली दे रहा है, और मेरे जो मेहनत से एकदम धन को मैं इकट्ठा किए थे, और वह धन क्या कर रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से दोस्त बर्बाद कर रहा है। तो तीसरा का अलंकार हमारा क्या था, लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है, वृत्तानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। चौथा हम आप लोग को बताए थे दोस्त अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या था कि जहाँ पे अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका फेमस उदाहरण था कि कहत नटत रिझत, कहत नटत रिझत खिझत, मिलत लजियात है भरे भुवन में, नयनन से करत सब बात है। तो देखिए कहत नटत रिझत में त तक बार बार क्या हो रहा है, लास्ट में आवृत्ति हो रहा है, ठीक है। चार हो गए, पांचवा मैं बताया था श्रुत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा क्या था मेरा दोस्त, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या था कि जहाँ पे वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, वर्णों के वर्गों की जहाँ पे आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण था आप लोग वर्णमाला में पढ़े होंगे, स्पर्शी व्यंजन पढ़े होंगे, तो जो क वर्ग चलता है, च वर्ग चलता है, ट वर्ग चलता है, त वर्ग चलता है, तो जो बोलेंगे हो, जो उदाहरण रहेगा तो उसी का क्या हो रहा है, वर्ण बार बार आवृत्ति होगा। जैसे इसमें उदाहरण हम लोग आप लोग को दिए थे, दिनांत था दीनानाथ सधेनु डूबते, ठीक है, तो द आया पर न, तो द आएगा, न आएगा, थ आएगा, यही वर्ण का बार बार आवृत्ति चलेगा, ठीक है। ये सब दोस्त हम आप लोग को बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से पढ़ा के खत्म कर दिए थे, आप लोग को एक एक उदाहरण बोर्ड पे लिखते हुए बता दिए थे, एक बार हम क्या कह दिए, रिवीजन भी करा दिए, आप लोग को बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज दोस्त तीन अलंकार बचे थे, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये चार अलंकार बचे हुए हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, बस बहुत ही जल्द से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सब अलंकार क्या है, सरल है, यही सिर्फ अनुप्रास अलंकार अपने आप में क्या था दोस्त, कठिन था, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं दोस्त, जल्दी से पढ़ा के खत्म कर देंगे, आप लोग क्लास में बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा के समझा देंगे, आप लोग को समझ में आता चला जाएगा। देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार ठीक है दोस्त। देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार का परिभाषा होता है कि जहां पे एक शब्द, जहां पे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ पे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं दोस्त, यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसे क्या कहेंगे दोस्त, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण था, देखिए जहाँ पे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप लोग को बता रहे हैं, काली, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए घटा क्या है, बादल, एक घटा बादल का बात हो रहा है, और
एक घटा क्या होता है, कम होना, कम, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, देखिए एक शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है, दो बार आया है कि नहीं, एक शब्द कितनी बार आया, दो बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है दोस्त, अलग अलग है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, ठीक, एक शब्द आया, एक शब्द का कितने अर्थ है, दो बार है। दूसरे का देखिए उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, ये आया हुआ उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कुछ बता दे रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ है, सजना, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे देखिए सजना का अर्थ है, एक सजना का अर्थ है श्रृंगार, जैसे कि श्रृंगार, टाई बेल्ट एकदम लगा के बढ़िया सा अपना, मतलब कि सेंट उंट मार के जो करते हैं वो श्रृंगार, जो श्रृंगार करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सजना का अर्थ, यहाँ पे ए है, और ए सजना का अर्थ क्या है, प्रेमी, ठीक है, प्रेमी, प्रेमी के लिए हमको क्या है, सजना है, ठीक है। तो सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार है, जो मुंह पे मतलब कि पाउडर खूब चपका ले और फिर टाई बेल्ट से सेंट सब कुछ मार ले, वो क्या है, सजना है, और इस सजना का अर्थ क्या है, प्रेमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द दो बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है दोस्त, अलग अलग है, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होगा दोस्त, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और उदाहरण दे रहा हूँ, तीन बेर खाती है, तीन बेर, ठीक है, तीन बेर खाती है, तीन बेर, एक बेर, तीन बेर, खाती है, तीन बेर। यहाँ पे देखिए एक बेर का अर्थ क्या होता है, जो बैर होता है, जो मतलब कि बैर खाते हैं, ठीक है, पेड़ वाला बैर, वो यहाँ पे उस बैर का मतलब कि बेर, हो गया। और यहाँ पे एक बेर क्या होगा, तीन बार, क्या है, तीन बार भोजन करता हूँ, मतलब कि एक बार सुबह खाता हूँ, एक बार दोपहर में खाता हूँ, एक बार कितनी बार खाता हूँ, शाम को खाता हूँ। तो यहाँ पे बेर का अर्थ वो है, और इस बेर का अर्थ क्या है दोस्त, इस बेर का अर्थ है कि जो फल मतलब होते हैं, बैर का फल होता है, उस बैर का फल का यहाँ पे दिया गया है, बेर का मतलब ये फल से संबंधित है और ये खाना से, ठीक है। तीन बेर खाती है, तीन बेर, ठीक, ठीक है दोस्त। अब देखिए एक और उदाहरण दे रहा हूं, कनक कनकते, कनक कनकते सौ गुनी, सौ गुनी, पादकताय अधिकाय, ठीक है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए, ठीक है। इसका उदाहरण क्या, कनक, एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, एक कनक का अर्थ क्या होता है दोस्त, सोना, सोना पाकर भी मनुष्य क्या हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। और धतूरा, एक कनक का अर्थ क्या होगा, धतूरा, खाकर भी मनुष्य क्या हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं।
तो एक कनक का अर्थ दोस्तों हो गया सोना, एक कनक का अर्थ क्या हो गया धतूरा, ठीक है। तो देखिए एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है दोस्त यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। एक ही शब्द के दो अर्थ अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक शब्द आया दोनों का अर्थ अलग अलग, यहाँ पे भी शब्द आया एक शब्द दो बार आया दोनों का अर्थ क्या हो गया अलग अलग, ठीक है। तो ये सब चार उदाहरण दिए, बहुत ही फेमस फेमस उदाहरण दिए हैं, आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, देखने मात्र से ही पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो यहाँ पे क्या हो गया अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, दो अलंकार हम क्या कर दिए दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से हंसते खेलते हुए क्या कर दिए खत्म कर दिए। अब हम दोस्त आप लोग को बताएंगे तीसरका अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार का परिभाषा होगा एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष, ठीक है। एक ही शब्द के दोस्त क्या हो अनेक अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे श्लेष अलंकार कहेंगे। जैसे जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। पानी गए न उबरे जिसका हमको मतलब समझाना है वो वाला सिर्फ लाइन हम ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला लाइन नहीं लूँगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून वो वाला लाइन नहीं लूँगा, जो समझाना है वो वाला लाइन ले रहा हूँ। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यही लाइन से हमको क्या है दोस्त समझाना है, तो यही वाला लाइन ले रहा हूँ पानी गए उबरे। पानी गए उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। पानी गए उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी के यहाँ पे अर्थ है जैसे कि कभी कभी कहता है कि अरे इसके तो अंदर पानी ही नहीं है, आँख में इसके क्या है पानी ही नहीं है, मतलब कि शर्म बेहया इज्जत मतलब लाज की कोई बात, मतलब कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, एकदम शर्म नाम की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, मतलब कि पानी ही इसका जना सूख गया है, ठीक है। तो वो पानी के यहाँ पे एक अर्थ ये वाला अर्थ यहाँ पे देंगे, इसका पानी ही मतलब आँख का पानी ही क्या है सूख गया है। तो एक पानी का देखिए तीन अर्थ निकलेगा, एक क्या होता है पानी का अर्थ होता है मोती, मोती क्या होता है चमक चमक, ठीक है। मोती मोती पर पानी पड़ जाता है तो उसका चमक क्या हो जाता है बिखर जाता है, मतलब कि चमक बहुत ही अच्छा हो जाता है सुंदर लगने लगता है। मोती पर यदि पानी पड़ जाता है तो उसका चमक क्या हो जाता है और सुंदर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ मनुष्य क्या है इज्जत से इज्जत, मतलब कि मनुष्य यहाँ पे मनुष्य के पानी मनुष्य के पानी जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है इज्जत उसका क्या होता है कम होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि पानी पानी हो गया, मतलब जहाँ पे मनुष्य का इज्जत नहीं रहता है वहाँ पे क्या होता है वह मनुष्य क्या होता है पानी पानी हो जाना, ठीक है। यहाँ पे तो मनुष्य के इज्जत से लिया जाएगा, ठीक है। मनुष्य का जहाँ पे मतलब इज्जत नहीं रहता है
तो वहां पर क्या हो जाता है, वो पानी पानी अपने आप हो जाते हैं। तो मनुष्य की इज्जत से यहां पे लिया गया है। चून का अर्थ क्या होता है, जल, जल या पानी मिलेंगे। इसका आटा, चून का मतलब आटा होता है, मतलब कि आटा, आटा जो होता है, आटा में यदि पानी डाल दिया जाता है तो फिर कहिए कि उसका, उसको फिर से आटा बना लिया जाए तो आटा नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बार जिसकी इज्जत चली जाती है, जिसके अंदर की शर्म बेहया सब ये सब मतलब कि चला जाता है उसके अंदर से, तो फिर क्या होता है दोस्त, दोबारा नहीं आता है, ठीक है। जिसके आँख में मतलब पानी नहीं होता है, जिसका जिसके आँख में क्या होता है, पानी नहीं होता है, तो उसका क्या होते हैं, एक बार जब चला जाता है इज्जत, जैसे कि एक बार इज्जत चला जाएगा तो इज्जत दोबारा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप आटा, सान रहे हैं, पानी, डालकर आटा को सान रहे हैं, गीला कर रहे हैं, फिर उसको कहिए कि हम क्या करते, फिर से सूखा कर दें तो सूखा होगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मोती चमक, से यहाँ पर लिया गया है। तो यही पानी का क्या है दोस्त, तीन अर्थ है, यही पानी का तीन अर्थ है, ठीक। बहुत ही समझ में आया होगा, पानी गए उबरे मोती मानुष चुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, यहाँ पे न रहेगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष, ठीक। देखिए दूसर का उदाहरण दे रहा हूँ, दूसर का उदाहरण है कि मगन को देखी पट देत, मगन को देखी पट देत, मंगन को, देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहां पर देखिए पट का अर्थ क्या होगा, दरवाजा, ठीक है। ये पट का अर्थ क्या होगा, दरवाजा होगा। अब यहाँ पे एक पट का अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है। एक पट का अर्थ क्या होगा दोस्त, वस्त्र होगा। एक पट का अर्थ क्या होगा, दो वस्त्र होगा, ठीक है। तो पट, एक पट का एक अर्थ क्या होगा, दरवाजा होगा। एक पट का अर्थ क्या होगा, वस्त्र होगा, ठीक है। और यहाँ पे देत का अर्थ क्या है, देना, देना और बंद करना। बंद करना, ठीक है, देना और क्या है, बंद करना। मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब कि मंगन मतलब भिखारी, को देख कर, भिखारी को देख कर, क्या है, पट क्या है दे रहे हैं, देत बार बार। यहाँ पे पट मतलब दरवाजा को दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, दरवाजा और वस्त्र। मंगन को मतलब भिखमंगा को, भिखारी को देखकर क्या है, पटवार मतलब दरवाजा होता है, उसको क्या कर रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ही, ए बार का अर्थ क्या है, एक ही शब्द आया हुआ है, इसके अर्थ क्या है, अनेक है, ठीक। कि पट को देख देख के बार बार क्या हो रहा है, दरवाजे दे रहे हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार, इसका उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है कि सुमरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें भी देखिए श्लेष अलंकार ही है, ठीक। सुमरन को ढूंढत, ठीक है, सुमरन को ढूंढत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर,
सुबरन को ढूंढत फिरे तो कभी व्यभिचारी चोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे देखिए सुबरन मतलब कि सुबरन कवि, कवि क्या होते हैं, कवि सुबह सुबह उठकर कवि क्या सोचते हैं कि हम ऐसा कितना अच्छा से अच्छा शब्द ढूंढ लूँ, कितना अच्छा से अच्छा शब्द ढूंढ के बोलूँ कि लोगों को जैसे लोगों को क्या है पसंद आए। तो यहाँ पे सुवरण, सुवरण मतलब कितना अच्छा तरीके से क्या है शब्द ढूंढ के आए। कभी यहाँ पे सारा शब्द सोच रहा है कि कितना अच्छा शब्द ढूंढ के आऊँ, यहाँ की क्या है दोस्त समझ में आए। इस कवि का अर्थ क्या है यहाँ पे सुंदर शब्द। शब्द तो कवि सुबह सुबह उठता है तो अपने दिमाग में दौड़ाता है कि हम कितना अच्छा से अच्छा शब्द ढूंढ लूं कि अपन जो बोलूं लोगों को पसंद आए। ठीक है, यहाँ पे कवि सुंदर, कवि का अर्थ क्या होगा सुंदर शब्द, और व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ क्या हो गया सुंदर लड़की। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की मतलब कि जो सुंदर लड़की के यहाँ तात्पर्य है कि हम मतलब सुवरण मतलब कुछ लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो व्यभिचारी होते हैं वो सोचते हैं कि सुबह सुबह उठते तो हमको कोई अच्छी सुंदर सी क्या हो लड़की मिल जाए और उसको हम क्या कर पटा लें। ठीक है, यहाँ पे सुंदर लड़की के तात्पर्य यही, व्यभिचारी का अर्थ क्या है यहाँ पे सुंदर लड़की से है कि कोई लड़की अच्छी सुंदर मिल जाए दिख जाए तो उसको क्या करे पटा ले। और चोर, चोर के दिमाग में क्या आता है कि क्या है हमको कहीं पे क्या मिल जाए सोना चांदी मिल जाए। ठीक है, सोना चांदी मिल जाए, कीमती वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे इस सुवरण का देखो तीन अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, कभी सोचते हैं सुबह सुबह उठ के सोचते हैं कि हम ऐसे कितना अच्छे से अच्छे सुंदर शब्द बोले कि लोगों को मनमोहक लगे और पसंद आए। ठीक है, और व्यभिचारी का अर्थ यहाँ पे क्या है सुंदर लड़की। ठीक है, यहाँ पे लड़के सोचते, लड़का क्या है सोचता है कि कितना मतलब कि हमको कोई सुंदर लड़की मिल जाए जिसको हम क्या कर ले पटा ले। ठीक है, और यहाँ पे चोर का अर्थ क्या है कीमती वस्तु, कीमती वस्तु। चोर अपने दिमाग में सुबह उठ के चोर अपने दिमाग में सोचता है कि कहीं पे हमको क्या है कीमती वस्तु मिल जाए जिसको हम क्या कर ले चुरा ले। तो यहाँ पे एक सुवरण का तीन अर्थ हुआ, एक सुवरण का तीन अर्थ हुआ, एक सुंदर शब्द, सुंदर लड़की, कीमती वस्तु। ठीक है दोस्त, आप लोगों को क्या है समझ में आ गया होगा। एक होता है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार के जानते हो। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा कि वक्र माने क्या होता है घुमाकर, वक्र माने क्या होता है वक्र माने घुमाकर, घुमाकर। उक्ति माने कहना। ठीक है, वक्र माने घुमाकर, उक्ति माने क्या होगा दोस्त कहना। वक्र माने घुमाकर, उक्ति माने कहना। तो यहाँ पे जैसे कि एक बात को हमको कोई बात कहना है, जैसे हमको कोई बात कहना है कि मोहन, मोहन मोहन राधा से प्रेम करती है, मोहन राधा से प्रेम करती थी, इस बात को हम सीधा न कहकर किसी के माध्यम से क्या है घुमा कर कहें, घुमा कर यहाँ पे ऐसे ऐसे लिया कर यहाँ पे ऐसे कहें। ठीक है, सीधा न कहकर क्या करें बात को घुमा कर कहें, किसी बात को सीधा न कहकर यहाँ पे घुमाते हुए कहें तो यही क्या होता है वक्रोक्ति होता है। ठीक है, तो वक्र माने क्या होता है घुमाकर, उक्ति माने क्या होता है कहना। तो इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसका उदाहरण है कि मोहन, मोहन कृष्ण और राधा के वे में उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कृष्ण और राधा के वे में हम उदाहरण कह रहे हैं दोस्त दे रहा हूँ। कृष्ण, कृष्ण भगवान बाहर कहीं गए रहते हैं तो दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं,
दरवाजा खड़खड़ाते हैं तो राधा मैया रहती हैं अंदर। राधा मैया जानती हैं कि कृष्ण ही हैं, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान को क्या कह रही हैं कि कौन बानर है बाहर, कौन बानर है बाहर। ठीक है, जानबूझकर बात को मतलब कि उसको बानर मतलब कह रहे हैं कि बानर कौन है, बानर बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे बानर का देखो दो दो अर्थ होता है। एक बानर का अर्थ क्या होता है, एक बानर का अर्थ होता है हरि, और एक बानर का अर्थ एक हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान। ठीक है, एक बानर का अर्थ क्या होता है, बंदर, और एक बानर का अर्थ क्या होता है, हरि होता है। तो मतलब बात को जब जानबूझकर घुमाकर बोला गया हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। राधा मैया जानती हैं कि बाहर कृष्ण ही है, फिर भी वो घुमाकर बात को बढ़ा रही हैं कि कौन है बानर बाहर खड़ा, कौन है बानर बाहर खड़ा। तो बानर के यहाँ पे दो अर्थ होता है, एक बानर क्या होता है, बंदर होता है, और एक बानर क्या होता है दोस्त, हरी होता है। तो जब जहाँ पर बात को जानबूझकर घुमाकर कहा गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जब बात को क्या हो जानबूझकर घुमाकर कहा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अच्छा अब देखिए बिप्सा अलंकार, पिप्सा अलंकार। पिप्सा अलंकार पिप्सा अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द क्या होते हैं दोस्त, दो बार आते हैं। जहां पे एक ही शब्द क्या हो दो बार आए उसे हम क्या कहेंगे, बिप्सा अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही शब्द कितनी बार आया, दो बार आया, उसे हम क्या कहेंगे, बिप्सा अलंकार कहेंगे। जैसे राम 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 राम, शिव 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 शिव, चल चल, हट हट, ऐसे ही आते हैं शब्द, चल चल, हट हट, राम राम, शिव शिव, चल चल। चल चल, हट हट, जहां पे एक शब्द दो बार है उसे हम क्या कहेंगे, बिप्सा अलंकार कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक ही शब्द क्या आते हैं दोस्त, दो बार आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिप्सा अलंकार कहते हैं। तो दोस्त यहाँ पे शब्दालंकार हम खत्म कर दिए। शब्दालंकार में यही एक अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और क्या है, श्लेष अलंकार, ये तीन अलंकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब किसी किसी किताब में दिया रहता है, बिप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण रहते नहीं है, और वैसे भी ये क्या है, सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का परिभाषा देते हुए, एक एक उदाहरण देते हुए बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से दोस्त पढ़ाकर ख़त्म कर दिए हैं। आप हमारा वीडियो पूरा जाकर देखिए, जहाँ पे आपको कुछ भी गलत लगे तो आप क्या करिए दोस्त, कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखा करा करिए दोस्त, और हमारे वीडियो क्या करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।